हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इस रीडिंग में आज मॉर्निंग में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, आज सुबह क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आज के दिन, क्या उनका एक्शन हो सकता है और आप दोनों के बीच क्या कुछ होने का चांसेस है, जानने की कोशिश करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो सोचिएगा आपके पार्टनर के बारे में, उनको अपने मन में जरूर रखें, साथ में यूनिवर्स से प्रे कर लें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करे। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, सोच क्या रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? ओके, आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। टू नंबर आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टू नंबर, नंबर 12 या नंबर 10, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 20 या 22, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर खुद को करेंटली दो राहें पर पा रहे हैं, आपके पार्टनर खुद को कन्फ्यूज पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में आज सुबह सुबह डीप थॉट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं, इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, दुनियादारी को लेकर, आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, और कोई फैसला इनको लेना है या तो आपको लेना है उसको लेकर। तो इस टॉपिक पर इनके माइंड में जो कुछ भी है आपसे शेयर करना चाहते हैं कि इनके मन में ये सब चल रहा है और ये थोड़े से कन्फ्यूज हैं, तो आप इनको क्लियर करो, ठीक है। आप इनका हेल्प करो एक राइट डिसीजन लेने में। तो आपके पार्टनर आज सुबह सुबह बात करना चाहते हैं आपसे, बताना चाहते हैं आपको, पर इनको ऐसा लग रहा है कि इनका ये करना राइट होगा कि नहीं, इनको ये करना चाहिए कि नहीं, कहीं आप इनको कुछ गलत ना ले लो या आप इनके बारे में कुछ गलत ना सोचो, आप दोनों के बीच कुछ ऐसा कड़वाहट ना आ जाए, ठीक है। आपको लग सकता है कि वो मुझसे बात करेगा या करेगी तो इसमें क्या कड़वाहट, पर आपके पार्टनर का ये सोच है कि अगर ये जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, ये बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो सब शेयर करते हैं, तो आप कहीं गलत ना समझो इनको, ठीक है, या इनका कहने का मतलब आप गलत ना निकाल लो। तो आपके पार्टनर थोड़े से फियर वाले एनर्जी में हैं, थोड़े से कन्फ्यूज हैं कि इनको ये सब बातें आपसे कहना चाहिए कि नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, यूनिवर्स बताए मुझे, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है इनके पार्टनर के मन में, सोच क्या रहे हैं ये आपके पार्टनर? सोच रहे हैं आप काफी स्ट्रांग हो, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप काफी बिजी हो, आपके कैरियर में, अपनी लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में आप काफी बिजी हो, आप काफी स्ट्रांग हो, जितना आप हो उतने आपके पार्टनर नहीं हैं, आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप इनको, इनके लाइफ को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लोगे, ठीक है, आप बैलेंस कर लोगे या आप इनके बिल्कुल हेल्प करोगे आगे बढ़ने में, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, आप इनको सपोर्ट करोगे। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए। आपके पार्टनर मुझे नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है इनके लिए, आपकी प्रायोरिटी अब कोई और चीज है, आपके पार्टनर नहीं है, तो आप इनको भूल गए हो या इनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो चाहते हैं कि आप इनको इम्पॉर्टेंट फील कराओ, ठीक है, आप इग्नोर ना करो, आपका टेंशन आपके पार्टनर को चाहिए होता है, ठीक है, आप हमेशा इनको स्पेशल फील कराओ, ये आपके पार्टनर का सोच है। तो कई लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, या आपके पास टाइम नहीं है इनके लिए,
तो ये नाराज हैं, आप पर भड़क सकते हैं, आपसे फाइट कर सकते हैं, आपसे आर्गुमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों आप इनको लेकर केयर फ्री हो गए हो, केयरलेस हो गए हो। ठीक है, कई लोगों के लिए अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, वाइट कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, तो ये आपके पार्टनर का सोच मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या है आपके पार्टनर का थॉट्स, और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली मीटिंग हो सकता है ये, या आप दोनों का कंप्लीशन हो सकता है, मैरिज हो सकता है, यूनियन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। फैमिली हीलिंग भी हो सकता है, फैमिली के साथ बनने रही है, या आपके फैमिली से मीटिंग करना है, या आपको अपनी फैमिली से मीटिंग कराना है, कुछ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं आप में और अपनी खुद के फैमिली में। ठीक है, जिनके साथ ये रह रहे हैं, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको भी सोच रहे हैं और अपनी लाइफ को भी, जो जिनके साथ रहते हैं इनके फैमिली उनको भी सोच रहे हैं, और आपके पार्टनर खुद को यहाँ पर फंसा हुआ पा रहे हैं। इनके लिए मुश्किल हो रहा है डिसीजन लेना, क्योंकि इस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है पता है, जो आपके लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो आपके लिए अट्रैक्शन है या जो भी है इनमें, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, काबू नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी फैमिली, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर भी इनका अटैचमेंट है, लव है, वहाँ पर भी इनका इमोशंस है, तो यहाँ पर इनके लिए मुश्किल हो रहा है बैलेंस करना, या यहाँ पर से आगे बढ़ना, डिसीजन लेना। ठीक है, आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अगर यहाँ पर फैमिली और आप हो, आपके पार्टनर फैमिली और आपके बीच खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, ये यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इनका थॉट्स क्या पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप खुद को संभाल सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप सरवाइव कर सकते हो आपके पार्टनर के बिना, पर इनकी फैमिली, जिनके साथ ये रहते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो लोग हैं इनके लाइफ में, वो लोग इनके बिना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं आप काफ़ी स्ट्रांग हो, अगर आपके पार्टनर आपकी ओर आते नहीं हैं, या आपके लिए डिसीजन नहीं लेते, अपना फैसला आपके हक में नहीं लेते हैं, फिर भी आप लाइफ सरवाइव कर लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप खुद को संभालोगे। ठीक है, ये आपके पार्टनर का सोच है, पर जिनके साथ ही रहते हैं शायद वो नहीं कर सकते। तो ऐसा भी आपके पार्टनर मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या है इनकी फीलिंग्स, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, और प्यार, साथ रहना, सिर्फ साथ रहना ही नहीं होता, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, जितना आपसे प्यार करते हैं उतना किसी से नहीं करते। ये जो फैसला लेने वाले हैं, ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है, शायद वो आपको हर्ट कर सकता है, पर आपके पार्टनर का सोच ये है कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना इन्होंने कभी किसी से नहीं किया है, आप मानो ना मानो, आप हो इनका ट्रू लव, आप हो इनका सच्चा प्यार, यहाँ पर लवर शायद है, इनको आपसे ट्रू लव हुआ है। ये जस्टिस वाले एनर्जी में रहना चाहते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, हाँ आपको हर्ट कर रहे हैं, या इनके एक्शन से आपको हर्ट हो सकता है, पर जो और लोग हैं इनके लाइफ में, जो और इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनको ये हर्ट नहीं कर सकते। ये आपके पार्टनर का सोच है कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना है, भले ही मैं अपने पार्टनर को, अपने प्यार को हर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर मैं किसी और को, उनके अलावा किसी और को हर्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते। इनके मन में बहुत कुछ आ रहा है,
ये मिलकर आपको समझाना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको नहीं समझोगे। और आप ये अपने दिमाग में बैठा लो कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और क्या है इनका सोच, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है, कई लोगों के लिए आपके पार्टनर इस तरह से बात कर सकते हैं आपसे कि दोस्त बनकर रहते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, या फ्रेंडशिप तक ही सीमित रखते हैं, ओनली फ्रेंड्स रहते हैं। इस तरीके से आपके पार्टनर बात कर सकते हैं आपसे। और क्या है आपके पार्टनर का सोच, आज क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, आज आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के लिए काफी स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि इनका एक्शंस, इनका बिहेवियर या इनका डिसीजन आपको हर्ट कर सकते हैं। मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि इनका डिसीजन आपके हक में ना हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको हर्ट कर सकता है। या आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो रहा है, आप दोनों का ब्रेकअप हो रहा है यहाँ पर, ये किसी और को चूज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है, खुद को मजबूत रखते हुए आपका दिल तोड़ रहे हैं ये और आगे बढ़ रहे हैं, किसी और को चूज कर रहे हैं। मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए, ठीक है, आपके पार्टनर मुंह मोड़ रहे हैं आपसे, शायद ही आपको नहीं समझ रहे हैं। वक्त देने की जरूरत है आपको, यूनिवर्स बताएं मुझे आज के दिन इनके पार्टनर क्या चाहते हैं। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, आपके साथ बेबी है, अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, आपसे आपके फैमिली से मीटिंग करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आप दोनों साथ में आओगे, कई लोगों के लिए, ठीक है। आज के दिन या 6 दिनों के अंदर ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी कि आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं या आप इनके पास जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्टेंस दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं कई लोगों के लिए अगर ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, कोई और है इनके लाइफ में, तो आपका दिल तोड़कर उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वहीं कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपके पार्टनर समझेंगे कि आपसे दूर नहीं रह सकते, आपसे दूर रहकर ये खुश नहीं रह पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए चीजें, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो नहीं, आप इनके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो, तो इनको आगे बढ़ना है। अगर इनको किसी के साथ फैमिली चाहिए तो वो सिर्फ आप हो, या आपके पार्टनर 6 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर या 10 घंटों के अंदर आपके पार्टनर दिखा देंगे, प्रूव कर देंगे, अगर ये आपको चाहते हैं तो, ठीक है। मुझे वापस से यूनियन दिखाई दे रहा है, रियूनियन दिखाई दे रहा है, कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। वहीं कई लोगों के लिए मुझे फ्रेंडशिप दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, शायद ये शादी नहीं दे सकते आपको या आपसे शादी नहीं कर सकते, पर हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। वहीं कई लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ रहे हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट आपको न्यू प्रपोजल भी मिल रहे हैं, न्यू लवर आपके लाइफ में आ रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, फैमिली काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आपकी फैमिली, आपके ट्रू फ्रेंड्स, वो आपको हील करने में हेल्प कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आप हील हो रहे हो, किसी के साइड से आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, मैसेज मिलेगी, तो ये यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं,
आपके पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके लवर, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड आपसे क्या उम्मीद करेंगे आपके पार्टनर आज के दिन, आपके पार्टनर का एक्सपेक्टेशन क्या होगी आपसे। ओके, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, किसी तरह का झूठ ना बोलो आप, इनको इग्नोर ना करो, इनको अवॉइड ना करो, इनको डिसअपॉइंट ना करो, आपसे ऑनेस्टी चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, कुछ झूठ ना बोलो आप, जस्टिस वाले एनर्जी में रहो, कुछ भी बात आप इनसे ना छुपाओ, ठीक है। आज के दिन क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, क्या चांसेस हैं होने का आपके पार्टनर और आपके बीच, आज के दिन क्या कुछ हो सकता है। मुझे कई लोगों के लिए ट्रैप्ड सिचुएशन दिखाई दे रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा है, वही ठहराव वाली एनर्जी है, वो खुद को ट्रैप्ड पा रहे हैं, या तो आप किसी सिचुएशन में खुद को ट्रैप्ड पा रहे हो, वो खुद का सिर पीट रहे हैं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, इस वाले एनर्जी में है, मुझे ठहराव दिखाई दिया है। कई लोगों के बीच जैसे कि मैंने कहा न्यू स्टार्ट, या न्यू स्पार्क आ रही है आपके रिलेशनशिप में, कई लोगों के बीच मुझे दूरियां दिखाई दी है, मजबूरियां दिखाई दी है, मिसिंग वाली एनर्जी है, वहीं कई लोगों के बीच न्यू स्टार्ट हो रही है, कुछ नया बना रहे हैं आपके कनेक्शन में, कुछ नया हो रहा है। कई लोगों के लिए या तो आपको माफ़ी मिलेगी, या तो कोई आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, कोई आपसे माफ़ी मांगेंगे या तो आपको माफ़ी मिलेगी। मुझे कंप्लीशन दिखाई दिया है, रियूनियन दिखाई दिया है। और क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच, क्या चांसेस है। कई लोगों के बीच आपके पार्टनर वही सेम एनर्जी में रहेंगे, काफ़ी रूड हो रहे हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है जो कि आपको हर्ट कर रहा है, बातें नहीं कर रहे हैं, चुप चुप से हैं, बातें कर रहे हैं तो उनका वर्ड्स आपको हर्ट कर रहे हैं। और क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, कई लोगों के बीच ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए, वहीं कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर दूरियां बना रहे हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ये खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ये खुद आपसे दूर हो रहे हैं, ये केयरलेस हैं, केयर फ्री हैं, ये सीरियस नहीं है आपको लेकर, जगल कर रहे हैं, या तो ये कन्फ्यूज हैं आपको लेकर, तभी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, हैव अ गुड डे।